नमस्कार दोस्तों, स्वागत हमारे YouTube चैनल सेल्फ स्टडी में। पिछले लेक्चर में हमने पॉलिटिकल साइंस को कवर किया था। एक ऐसा मैं टॉपिक आज लेके आया हूँ जिसकी चर्चा काफ़ी होती है, आज के समय में तो काफ़ी होती है, क्योंकि ये चर्चा का ऐसा विषय ही है जो कि कहीं ना कहीं एक डूबती हुई नैया को पार लगाने का काम किया। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं एक फिलॉसफी की, एक ऐसे व्यक्ति की, एक ऐसे फिलासफर के जिसने वैदिक धर्म को फिर से जिंदा करने का एक बेड़ा उठाया और उसको बहुत हद तक जिंदा भी किया, और उसी से हमारा आज जो धर्म चल रहा है, वैदिक धर्म चल रहा है, वैदिक वेदों की मान्यता चल रही है, वैदिक ग्रंथों का वैल्यू है वो बढ़ गया है। एक समय ऐसा आ गया था कि जब विशेषकर हमारे देश में, हमारे भारत, इसमें बौद्ध धर्म का बहुत ही ज़्यादा वर्चस्व हो गया था। बौद्ध धर्म के आगे कोई भी ऐसा तर्क, कोई भी ऐसा लॉजिक लग ही नहीं रहा था। तो पूरे के पूरे अगर देखा जाए तो बौद्ध धर्म का वर्चस्व आ गया था। जो बौद्ध मानते थे वही चलता था। और बौद्ध लोगों का सबसे बड़ी बात क्या थी कि वेद को नहीं मानते थे और वेद को नकारते थे, और वो अपने लॉजिक पे काम करते थे, बौद्धिक तर्क पे काम करते थे। तो उस जो परंपरा को है, उस जो उस समय का माहौल है, इस सबसे दूर करने का बेड़ा उठाया शंकराचार्य जी ने। जी हाँ, आज हम बात करेंगे आचार्य शंकर, जिनको शंकराचार्य भी कहते हैं। इन्होंने ही वेदांत दर्शन का फिलॉसफी दिया, वेदांत दर्शन दिया। तो ये जानने से पहले हम थोड़ा सा बात करेंगे कि वेदांत होता क्या है और क्या कैसे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के रूप में हम शंकराचार्य जी का वर्णन करेंगे, कैसे ये उस स्टेज पे पहुँचे कि हम ये वेदांत दर्शन दे पाएँ और जागृत कर पाएँ। तो पूरा परिचय हम नहीं दे पाएंगे यहाँ पे, आप थोड़ा सा उसको स्टडी करिएगा। यहाँ पे हम मेन वेदांत दर्शन पे ही बात करेंगे और अद्वैतवाद, उनका जो प्रमुख दर्शन, उसमें बात करेंगे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के रूप में मैं बता देना चाहता हूँ कि जब वो बहुत छोटे थे तो उनकी माँ जो थी, तो ये बोल रहे थे कि हम जाएंगे कहीं, बहुत ज्ञानी हो गए थे बहुत छोटे उम्र में ही। तो माँ ने पूछा कहाँ जाएगा, तो इन्होंने पूछा हो गया ऐसे हम जाएंगे, दूर जाएंगे यहाँ से कहीं से। उन्होंने फिर एक नाम सजेस्ट किया था, उनकी माँ ने सजेस्ट किया था, गौड़पाद। गौड़पाद इनके एक मतलब गुरु थे, एक उस समय के ऋषि हुआ करते थे, उनका नाम सजेस्ट किया इनकी माँ ने कि आप उनके पास जाइए और वहाँ आपको जो आप करना चाहते हैं, और करना क्या चाहते थे, एक किताब है ब्रह्मसूत्र, जिसको बादरायण ऋषि ने लिखा है। तो ब्रह्मसूत्र, बादरायण जी ने ही ये कहा है कि ब्रह्मसूत्र जो हमने किताब लिखी है उसमें जो अगर कोई भाष्य लिख देगा तब जाके ये अपना वैदिक परंपरा फिर से लौटेगी और हिंदू धर्म का फिर से उत्थान होगा। तो उसी में, उसी वही बुक, उसमें ही काम करने के लिए ये तत्पर थे, बहुत छोटी उम्र थी। है खैर, पहुँचे गौड़पाद जी के पास, पर गौड़पाद किन्हीं कारणोंवश बोले कि अभी तो मैं जा रहा हूँ, अभी यहाँ से मैं आपसे ज़्यादा नहीं मिल पाता हूँ, पर मैं आपको एक नाम सजेस्ट करता हूँ जो हमारा हिस्से से है, गोविंदाचार्य। आप गोविंदाचार्य के पास जाइए और गोविंदाचार्य आगे का आपका मार्गदर्शन करेंगे। उनके कहे अनुसार वो गोविंदाचार्य जी के पास जाते हैं, और गोविंदाचार्य जी के पास जाने के बाद वो उनसे शिक्षा लेते हैं। फिर एक बात आई कि ये वेदांत पे काम कर रहे थे, वेदांत हम आगे डिस्कस करेंगे कि वेदांत क्या है, वेद क्या है, उपनिषद क्या है। तो उस समय माहौल था बौद्ध भिक्षु का बोलबाला था, जहाँ से भी गुजरते थे बौद्ध भिक्षु, आप अगर उस समाज में अगर आप जी रहे हो तो बौद्ध भिक्षु को ही गुजर जाएगा, आपको बोलना ही पड़ेगा बौद्धम शरणम गच्छाम, क्योंकि वो उस समय माहौल ऐसा क्रिएट हो गया था, पूरी तरह से मोनोपोली थी और डोमिनेंस था बौद्ध धर्म का। तो फिर उन्होंने, जो इनके गुरु थे गोविंदाचार्य, उन्होंने बोला कि आप एक काम करिए कि
एक और बहुत ही विद्वान ऋषि हैं जो बौद्ध धर्म को परास्त करने में लगा हुआ है, बौद्ध धर्म को परास्त करने में लगे हुए हैं, उनके पास आप जाइए और दोनों लोग मिलके बौद्ध धर्म को आप वो कर सकते हैं और अपने धर्म का उत्थान कर सकते हैं, वेदों को बचा सकते हैं। तो उन एक कुमारिल भट्ट नाम था, खैर कुमारिल भट्ट के पास उनको भेजा। कुमारिल भट्ट गए थे तो कुमारिल भट्ट के पास जैसे ही ये पहुंचते हैं तो ये दंग रह जाते हैं, क्योंकि कुमारिल भट्ट जो थे तो अपने पूरे शरीर में क्या लगा के, तेल लगा के तेल लगा के उसके ऊपर भूसी, जो भूसी होती है ना चावल की, धान की, उसको लपेटे थे और चिता बनाए थे। ये देख के सोचते कि आप क्या कर रहे हैं ये गुरु, तो बोले कि वो बताते हैं कि बात ये है कि कुमारिल भट्ट जो थे वो क्या करते हैं कि बौद्ध धर्म में ही उन्होंने, कुमारिल भट्ट ने भी बौद्ध धर्म अपना लिया था। और क्यों अपना लिया था कि बौद्ध धर्म के तर्क को जानने के लिए कि आखिर क्या इसमें तर्क है, क्योंकि उस समय बौद्ध धर्म का कोई काट नहीं था, हर कोई मतलब हर उसका अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी कर्मकांड है, कोई भी बात हुई तो उसका काट दे देते थे बौद्ध वाले, तो उनके पास लॉजिक था। तो उस लॉजिक को सीखने के लिए कि आखिर देखें है क्या, कुमारिल भट्ट ने भी बौद्ध धर्म अपनाया था। फिर बौद्ध धर्म अपनाने के बाद उनसे वो तर्क सीख गए, फिर वो क्या करे कि वो अपने उसी तर्क से उन बौद्धिस्ट लोगों को हराना चाहते थे। फिर कहा उनको, ये सजा दी गई कि आप भाई ये तो गुरु का आप अपमान कर रहे हैं और गुरु का अपमान करना सबसे बड़ा पाप है। तो कुमारिल भट्ट जी बोले शंकराचार्य जी से कि बेटा हमने तो गड़बड़ कर दिया है, अब हम पाप के भागी हैं तो हम अपने आप को चिता में जला लेंगे। तो उसके बाद फिर शंकराचार्य जी को बोले आप अच्छा एक काम करिए कि मैं तो अब उसका पश्चाताप करने के लिए अपने आप को त्याग रहा हूँ, आप एक काम करिए, एक मंडन मिश्र और एक सन्यासी ऋषि हैं उनके पास आप जाइएगा, तो वो आपको आगे का मार्गदर्शन करेंगे और क्या करेंगे, वेदांत दर्शन को आगे बढ़ाने के लिए आपका सहयोग करेंगे। इतना कह के वो अपना त्याग देते हैं। अब कुमारिल भट्ट के बाद ये पहुंचते हैं किसके पास, मंडन मिश्र। मंडन मिश्र अब इनके पास पहुंचने के लिए बहुत रास्ता कठिन था भाई, कि कैसे पहुंचे, कौन है। तो एक इनको इन्हें कुमारिल भट्ट ने एक रास्ता दिखाया था कि आप जाएंगे तो आगे एक कुआं मिलेगा, कुएं में महिलाएं मिलेंगी, वुमेन मिलेंगी, वो क्या पानी भर रही होंगी, तो दो जो पाली लैंग्वेज यूज कर रही होंगे समझ जाइए कि बौद्धिस्ट हैं और बौद्ध धर्म से इन्फ्लुएंस हैं, और जो संस्कृत लैंग्वेज यूज कर रहे होंगे वो समझ जाइए कि उनके आप पीछे पीछे जाएंगे तो आपको मंडन मिश्र जी का रास्ता मिल जाएगा। तो इसके बाद ये पीछे पीछे जाते हैं, और ये भी बताया था कि जहाँ भी आप जाएंगे तो उनके द्वार में एक पैरट है, मतलब तोता है, और मैना है, और तोता मैना दोनों संस्कृत बोलते हैं और वो संस्कृत में अपना शास्त्रार्थ करते हैं। तो समझ जाइए मंडन मिश्र जी का घर आ गया और वहीं आप मिलके बात कर लीजिएगा। यहाँ पहुँचते हैं, तोता मैना देखते हैं अच्छा शंकर, फिर उसके बाद समझ जाते हैं मंडन मिश्र का, मंडन मिश्र जी से मुलाकात होती है और वहाँ पे दोनों का शास्त्रार्थ होता है और जज के रूप में उनकी पत्नी होती है। फाइनली ये होता है कि मंडन मिश्र जी हार जाते हैं। अब हार जाते हैं तो उनको बहुत खुशी होती है कि अच्छा हुआ कोई ऐसा व्यक्ति भी आया जो मुझे हरा दिया, वेदों के, उपनिषदों के, वेदांत के, इस सब में शास्त्रार्थ में हरा दिया, मतलब ये व्यक्ति कुछ करेगा। फिर उन्होंने यहीं से शुरुआत किया कि मंडन मिश्र जी को हराया, और यहीं से आचार्य शंकर धीरे धीरे वेदांत दर्शन का प्रचार प्रसार करने लगे। इसी संदर्भ में उन्होंने चार मठ भी स्थापित किया। फिर
ज्योतिर्मठ उत्तर में अगर देखा जाए, दक्षिण में श्रृंगेरी 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 मठ की स्थापना की। उसके बाद फिर गोवर्धन, गोवर्धन मठ की स्थापना की, और फिर एक इधर अपने द्वारिका में एक और मठ की स्थापना की। क्या नाम है जिनका नाम अभी मैं भूल रहा हूँ, शायद द्वारिका में है कोई। ठीक, तो चार मठों की स्थापना किया इन्होंने। इसके बाद ही वेदांत दर्शन का धीरे धीरे उत्थान होने लगा। अब मैं बात करता हूँ कि इनके इनकी जो मेन दो फिलासफी हैं, मेन फिलासफी आज हम चर्चा करेंगे, अद्वैतवाद मतलब नॉन डुअलिज्म। ठीक, तो अब हम शुरू करते हैं आचार्य शंकर का एक परिचय होने के बाद, अब हम शुरू करते हैं अद्वैतवाद या फिर नॉन डुअलिज्म। मीडियम हमारा दोनों रहेगा, हिंदी और अंग्रेजी। ज़्यादातर समझने के लिए हम हिंदी से यूज करेंगे और जो शब्द हैं उनको हम इंग्लिश में यूज करेंगे। ठीक, तो नॉन डुअलिज्म का मतलब ही क्या होता है? तो अद्वैतवाद का मतलब होता है कि दो नहीं है, मतलब केवल और केवल एक है। एक जैसे एक द्वैतवाद होता है, द्वैतवाद। अब द्वैतवाद में क्या होता है कि दो चीजें होती हैं, जैसे आत्मा हुआ परमात्मा हुआ, इसको माना जाता है, ईश्वर हुआ आत्मा हुआ। लेकिन द्वैतवाद नॉन डुअलिज्म में क्या होता है कि यहाँ पे दो का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, जो भी है वो एक ही है। थोड़ा सा आप बहुत ध्यान से कनेक्ट करिएगा चीज़ों को, क्योंकि थोड़ा सा कठिन है समझने में। थोड़ा आपको लगे क्या बार बार वही वही घूम रहे हैं, वही वही चीज़ें रिपीट कर रहे हैं, पर उसको आप सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो द्वैतवाद के इसमें सबसे पहले दो के ना होने का भाव होता है, केवल और केवल एक ही है। हालांकि आचार्य शंकर ने इस बात से मुकरा नहीं है कि दो होते हैं, क्योंकि उन्होंने ये बोला कि हाँ ठीक है एक ही है, लेकिन जब एक है तो एक किसी के सापेक्ष में होगा, वो दूसरा होगा मतलब। पर उसको संख्या के रूप में देखा उन्होंने कि कोई संख्या, अगर दो संख्याएं हैं एक दो, तो उसके सापेक्ष में ही इसको एक हम बोल रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं कि एक ही है, जब दो होगा ही नहीं तो हम एक बोलेंगे कैसे। तो इसलिए उन्होंने संख्या के रूप में माना कि दो होते हैं, बाकी अपने दर्शन के रूप में उसको एक ही माना। और एक ही मानने का मतलब कि जो आत्मा है, परमात्मा है, वो एक ही है। आत्मा को परमात्मा ने ही बनाया, और परमात्मा में ही आत्मा रहती है, और ये आत्मा परमात्मा हमारे अंदर है। जितनी भी संसार की चीजें हैं, आप जो भी देख रहे हैं आपके सामने, आपकी आंखों के सामने, आपकी जो इंद्रियां हैं देख पा रही हैं, फील कर पा रही, वो सब एक ही है। अद्वैत का मतलब यही है कि वो सब एक ही है। उसको किसने बनाया? हमने बनाया। कौन देख रहा है? हम देख रहे हैं। तो जो भी चीज़ें हैं, जो भी वस्तुएं हैं, जो भी सांसारिक चीज़ें हैं, उनको बनाने का श्रेय हमें जाता है और हम ही देख रहे हैं। तो वो अलग नहीं है, कोई अलग से नहीं, तो उसी में से सब चीज़ें एक हैं। अगर ये मार्कर है तो इसको बनाने वाला मैं हूँ, इसको देखने वाला मैं हूँ, इसको मिटाने वाला मैं ही हूँ, और ये मार्कर भी वही है जो मैं हूँ। यही आत्मा है, यही परमात्मा है, परमात्मा ने ही इसको बनवाया बनाया, आत्मा से मिलके बनाया। तो सब कुछ एक है, कहने का मतलब कोई अलग अलग नहीं है। शायद समझ में आ रहा होगा आपका कि एक कहने का मतलब अद्वैतवाद का यही मतलब हुआ। अब हम बात करेंगे कि
चार महावाक्य हैं उसके इर्द गिर्द हमारा ये अद्वैतवाद का फिलासफी घूमता है। चार महावाक्य आप सबने सुना होगा, प्रज्ञानम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि। ठीक, तत्त्वमसि, और एक है अयम आत्म ब्रह्म। बड़े ध्यान से समझिएगा, तो आत्मा परमात्मा सब एक ही। द्वैतवाद मतलब कि आत्मा अद्वैत, द्वैतवाद में ये होता था कि आत्मा और परमात्मा अलग अलग है, द्वैतवाद अद्वैतवाद में ये है कि सब एक ही है। ठीक, अब ये समझिएगा हमारे चार जो महावाक्य हैं, प्रज्ञानम ब्रह्म। अभी इन चार वाक्यों को थोड़ा समझने के पहले हम थोड़ा सा पीछे आते हैं कि आखिर आप देखिए ये क्या है। वेद, वेदों की संख्या कितनी है? चार। फिर वेदों को कितने भागों में बांटा गया है? कहा जाए तो मुख्यतः दो, वेद साहित्य बोलें या फिर वेद, वेदों को दो भागों में बांटा गया है। ठीक, तो वेदों को दो भागों में बांटा गया है, तो एक हुआ अपना ब्राह्मण। अब ब्राह्मण में क्या होता था? ब्राह्मण में और एक होता है आपका मंत्र। ठीक, एक हुआ कौन सा? ब्राह्मण, एक हुआ मंत्र आपका, और एक हुआ आपका उपनिषद। यहां पे थोड़ा समझिएगा, जब वेदों में आपको सबको पता है वेद इस सबसे हॉली बुक हैं, पुस्तकें हैं, यूनेस्को ने भी माना है कि ऋग्वेद इस संसार के, इस दुनिया की सबसे पुरानी बुक है, उससे पुराना कोई काव्य नहीं है, पुराना कोई साक्ष्य नहीं है। तो वेद, वेद में मंत्र, मंत्र वाला जो भाग है इसमें हम जैसे देवी देवताओं का वर्णन था, इंद्र है, इंद्र क्या देते हैं हमको? पानी बरसाते हैं। सूर्य हैं, हमको गर्मी देते हैं। तो इनमें देवताओं का, डिवोटीज का, देवताओं का वर्णन था, वो मंत्र वाला भाग है। और जहां पे इनका जैसे कर्म कांड हो गया, पूजा हो गया, वर्शिपिंग हो गया, ये सब पोर्शन जो है ब्राह्मण में आता है। और उपनिषद जो है लॉजिक, थोड़ा सा अंतर यहां समझिएगा, वेद और उपनिषद में यहां से अंतर करने की आप कोशिश करिएगा। तो वेद जो है सारी चीजें उसमें लिख दी गई, मंत्र लिख दिए गए, मंत्र की विधियां लिख दी गई, चारों वेदों पे अलग अलग मंत्र की विधियां लिख दी गई, कर्म कांड का प्रोसेस लिख दिया गया, पूजा हवन जितने भी देवी देवता हैं उनका मंत्र, सारी चीजें लिख दिया गया। उसके बाद लास्ट पोर्शन है जो, तो ये आप देख रहे होंगे मंत्र, ब्राह्मण, देवता, कर्मकांड, पूजा, और ये उपनिषद वाला जो पोर्शन है इसको क्या बोलते हैं? ज्ञान, ज्ञान वाला खंड। और ज्ञान वाला खंड जिसमें लॉजिक होते थे, तर्क होते थे, इनको क्या कहा गया? इनको कहा गया उपनिषद। तर्क का मतलब ये, जैसे यहां पे आप पूजा कर रहे हैं, इंद्रदेव की पूजा कर रहे हैं, सूर्य देव की पूजा कर रहे हैं, अग्निदेव की पूजा कर रहे हैं आप, उसके बाद फिर आप कुछ मांग रहे हैं कि भगवान हम ये करेंगे तो आप ये दे दीजिए, आपको जल चढ़ाएंगे, आपको जो भी उस हिसाब से चढ़ाया जाता था चढ़ाएंगे, हमको ये मिलना चाहिए। तब तक तो यहाँ चला मुद्दा। उसके बाद धीरे धीरे
हमारा दिमाग, हमारे जो ऋषि हुए, हमारे जो ज्ञाता हुए वेदों के, उनको दिमाग में आने लगा कि आखिर हम क्यों करते हैं, हमारा अस्तित्व क्या है, हम क्यों बने हैं और हम कब तक रहेंगे, हमारे शरीर का निर्माण किसने किया, हमारा ये जो दिमाग किसने बनाया और हम ये पूजा पाठ क्यों करते हैं। इसका मतलब जैसे ही ज्ञान का विस्तार हुआ तो हमारा डेवलपमेंट हुआ, और ये जो डेवलपमेंट हुआ तो हमारे माइंड में लॉजिक आया, दिमाग आया, तर्क आया, तो वो जो भाग कहलाता है वो हमारा उपनिषद कहलाता है, और इसी उपनिषदों को वेदांत कहते हैं। इन्हीं उपनिषदों के सहायता से जो फिलॉसफी दी गई उसको वेदांत दर्शन कहते हैं। समझ में आ रहा होगा आपको कि वेदांत दर्शन कहाँ से आया। वेदों का अंतिम वाला भाग जो ज्ञान से संबंधित है, जिनमें हम अपने तर्क का इस्तेमाल करते हैं, हम अपने आप से क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन कि आखिर ऐसा क्यों, उन्हीं दर्शन, उन्हीं से निकल के आया जो दर्शन है वो वेदांत दर्शन कहलाता है। आई होप इतना समझ में आया होगा। ठीक, अब वेदांत दर्शन के लिए तीन बुक हैं, एक तो आपका हो गया गीता। गीता के बाद ब्रह्मसूत्र, इसको वेदांत त्रयी हम कहते हैं, और एक हुआ आपका उपनिषद, इसको क्या कहते हैं, वेदांत त्रयी। कभी वेदांत त्रयी है तो इन तीनों का नाम लिख दे, उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र, इनका इस्तेमाल करके, इनको फिलासफी, इनको, इन बुकों का इस्तेमाल करके, इन किताबों का इस्तेमाल करके जो हम लॉजिकल दर्शन लाए हैं उनको वेदांत फिलासफी कहते हैं। ठीक, तो इतनी बातें आपको, सॉरी वेदांत त्रयी नहीं, प्रस्थान त्रयी, प्रस्थान त्रयी। तो ब्राह्मण, उपनिषद और वेदांत दर्शन का इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि जो अद्वैतवाद की जो मेन फिलॉसफी इन चार महावाक्य के आसपास घूमती है, इन चार महावाक्यों में से है प्रज्ञानं ब्रह्म, अहम् ब्रह्मास्मि, और तत्त्वमसि, और लास्ट है अयम् अहम् ब्रह्म। तो हमारे स्कूल में जो टी शर्ट मिलती थी उसमें लिखा रहता था प्रज्ञान ब्रह्म, उसका मतलब बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को नहीं भी पता होगा। तो वहाँ लिखने का बहुत ही बड़ा लॉजिक था, बहुत ही बड़ी बात लिखी थी ये। बाद में हम आचार्य शंकर को पढ़ के ये सब सीखे, और वो कहीं ना कहीं अद्वैतवाद से संबंधित था। तो सबसे पहले प्रज्ञानम ब्रह्म, देखिए हमारे, हमारा माइंड है, हमारा दिमाग है, हमारा शरीर है, इसमें एक चीज है बुद्धि, इसको इंटेलिजेंस बोलते हैं, बुद्धि। ठीक, बुद्धि सबके पास होती है, हर जो भी जन्मा है उसके पास कुछ ना कुछ बुद्धि होगी, किसी के पास कम, किसी के पास ज़्यादा। हम जो बोलते हैं कि वो बहुत बुद्धिमान है, तो बुद्धि तो सबके पास है, उससे भी कुछ आगे होता है। बुद्धि से थोड़ा सा बढ़ के ऊपर होता है हमारा विजडम, जिसको विवेक कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, बुद्धि है, बुद्धि सबके पास है, विजडम है, ये भी सबके पास है, और उसके बाद फिर एक शब्द आता है प्रज्ञा, प्रज्ञा।
तो यहां पे जरूरी नहीं है कि बुद्धि अगर हो, बुद्धि अगर आपके पास कोई बच्चा है, छोटा बच्चा है, स्कूल में पढ़ता है, उसके पास बुद्धि है, वो टॉप कर सकता है स्कूल में, अच्छे मार्क्स ला सकता है, पर जरूरी नहीं है कि उसके पास विवेक उतना हो कि वो घर में अच्छे डिसीजन ले पाता हो, घर में जितने भी कार्यक्रम होते हों, जितने भी मान लीजिए रिश्तेदार ही हैं, उनके साथ अच्छा बिहेव करता हो, संस्कार सीखा हो, ये जरूरी नहीं है। ये विजडम के स्तर की बात है, जिसके पास जितना विजडम होगा वो उतना अच्छे से बिहेव करेगा। बुद्धि जितना होगी तो आप काम तो करेंगे ही, अगर आपको बोला जाए पानी लेके आओ तो पानी लेके आएंगे, पर ये नहीं अगर उसको पता होगा कि पानी लेके आना है और कहाँ रखना है और किस इस हिसाब से रखना है, किसको देना है, वो विजडम का काम है। तो बुद्धि का एक आगे का स्तर आपका विजडम या फिर विवेक कहलाता है। अब आप अपने आप में समझ लीजिए कि आप बुद्धिमान हैं कि विवेकशील है, कौन सा होना पसंद करेंगे। उसके बाद फिर एक और स्तर है प्रज्ञा। प्रज्ञा मतलब कि सबसे सुपर कॉन्शियस माइंड, मतलब सबसे एकदम से ऊपर बुद्धि विवेक सबसे ऊपर प्रज्ञा का स्तर आता है। और आचार्य शंकर कहते हैं अगर आपने प्रज्ञा का स्तर पा लिया तो वही ब्रह्म है, और जब ब्रह्म है तो ब्रह्म क्या है, ब्रह्म ही सबको बनाता है और ब्रह्म ही खुद बनता है, और ब्रह्म को ही सबने बनाया, और ब्रह्म के अलावा कुछ इस संसार में है नहीं। ब्रह्म को समझा तो ब्रह्म एक ऐसा शब्द है कि जब उससे बढ़ के कुछ नहीं है। जब आप प्रज्ञा के लेवल को अचीव कर लेंगे तब आपको ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी, और ब्रह्म की अगर प्राप्ति हो गई तो आपको विवेक बुद्धि ये सब किसी काम के नहीं, ये बहुत छोटे चीज़ हैं। आपकी जो आँखों नाक कान ये इंद्रियां हैं जो आप सबको दिखेगा, सबको दिख रहा है, तो आप सबसे ऊपर जाएंगे और ये ब्रह्म का स्तर पा लेंगे। इसी संदर्भ में एक एग्जाम्पल दिया कि ब्रह्म या प्रज्ञा का स्तर वो स्तर होता है, एग्जाम्पल के रूप में वुड है, लकड़ी है, लकड़ी से ही आपका टेबल बना है, लकड़ी से ही आपका स्टिक बने हैं, छड़ी बनी हुई, डंडा बना हुआ है, लकड़ी से ही आपका गेट बना हुआ है, लकड़ी से ही और जितनी भी चीज़ें, मेज बना हुआ है, लकड़ी का ही बहुत कुछ भी आप ले लीजिए। तो इसमें मेन चीज़ क्या है, मेन मटेरियल क्या है, वो वुड है। भले ही आप उसको किस किस रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन मेन जो तत्व है वो वुड है, लकड़ी है। इसी तरह इंटेलिजेंस हो गया, विवेक हो गया, प्रज्ञा हो गया। अगर आप ब्रह्म का लेवल अचीव कर लेते हैं, प्रज्ञा का लेवल सबसे ज़्यादा हायर सुपर कॉन्शियस माइंड का लेवल अचीव कर लेते हैं, तो उसमें आप ये सारी चीज़ें जो गेट टेबल स्टिक सब दिख रही हैं वो सब आपको समझ में आने लगेगा कि लकड़ी ही है। अगर हम आपसे पूछेंगे अगर आप प्रज्ञा का लेवल अचीव कर लेंगे तो ये क्या है, ये किससे बना हुआ है, तो आपको ये नहीं बताएंगे कि मार्कर है, ये बताएंगे प्लास्टिक है। लोग बोलेंगे अजीब बात कर रहे हो यार, पर हाँ वो प्रज्ञा का लेवल है, सारी चीज़ों में उसको एक ही समझ में आता है। जब एक समझ में आने लगे तब आप समझ लीजिएगा आप प्रज्ञा के लेवल में। इस स्तर पे आचार्य शंकर ने बोला है कि वो, और वो क्या है, ब्रह्म है। आगे बहुत बाद में इनकी एक फिलॉसफी आ गई, ब्रह्म सत जगत मिथ्या, उसको हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे, अभी फिलहाल बात करते हैं प्रज्ञा। तो प्रज्ञानम ब्रह्म, तो मतलब यही जो प्रज्ञा है यही ब्रह्म है, समझ गए ना। प्रज्ञानम के स्तर को अचीव कर लेना ही ब्रह्म है,
और ब्रह्म क्या है? ब्रह्म अद्वैत है, एक ही है, जिसमें आपको सारी चीजें एक लगने लगे। ठीक, तो ये हो गया ब्रह्म। इसके बाद अहम ब्रह्मास्म, अहम ब्रह्मास्म में ही इन्होंने ये शंकर, आचार्य शंकर ने ये समझाया कि मैं ही ब्रह्म हूं, कोई और दूसरा नहीं है। मतलब हमारे शरीर के अंदर जो भी है, मन, चिंतन, विचार, वो सब ब्रह्म है। उसको किसने बनाया? हमने बनाया, कोई अलग से कोई बनाने नहीं आया। तो इसका मतलब यह है कि अहम ब्रह्मास्म मतलब हमारे, मैं ही ब्रह्म हूँ और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, और कोई दूसरा चीज़ है ही नहीं। ब्रह्म ब्रह्म तो मेरे अंदर ब्रह्म है, मतलब मैं ही ब्रह्म हूँ और कोई है नहीं। फिर एक होता है तत्त्वमसि। तत्त्वमसि में क्या है कि हमारे अंदर ब्रह्म है और आपके अंदर भी ब्रह्म है। मतलब देखिए, अहम ब्रह्मास्म मतलब हर व्यक्ति के लिए अलग अलग अपना वो मानेगा कि हमारे अंदर मैं ही ब्रह्म हूँ। लेकिन मैं अगर हूँ और हमारे सामने एक व्यक्ति खड़ा हो, तो मैं ये भी मानूँ कि मेरे अंदर ब्रह्म तो है लेकिन आपके अंदर भी है। ये तत्त्वमसि है। फिर एक है आयम आत्म ब्रह्म। ठीक है, इसमें भी अहम ब्रह्मात्म की तरह मतलब हमारे आत्मा के अंदर ब्रह्म है, हमारी आत्मा ही ब्रह्म है। इसमें क्या है, अहम ब्रह्मात्म में क्या है, मैं ही ब्रह्म हूँ। आयम आत्म ब्रह्म मतलब हमारे आत्मा ही ब्रह्म है। और आत्मा क्या है, आत्मा भी ब्रह्म है। आत्मा और परमात्मा एक ही है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो अब जो भी सोचते हैं अपने ऊपर, इसीलिए बोला जाता है कि कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, क्योंकि आप अगर जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। कोई दूसरा आपको जज करने वाला नहीं है, कोई आपको कुछ कहने वाला नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं एकदम सच बात है कि अहम ब्रह्म मतलब मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं जो करूँगा मैं ही करूँगा, बुरा होगा हमसे वो भी, अच्छा होगा वो भी, क्योंकि मेरा ही बनाया हुआ है, मैं ही करूँगा और मैं ही उससे निपटूंगा। तो अहम ब्रह्म, तो ये चार महावाक्य हैं। इसके इर्द गिर्द अद्वैत फिलासफी घूमती है, किसकी? शंकराचार्य जी की। फिर शंकराचार्य जी, चार हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे अगर आप एग्जाम में लिख रहे हैं ना, तो कुछ चीज़ें आ सकती, जैसे बुद्धि आ गई, विवेक आ गया और प्रज्ञा, ये सब लिखने को भी आ सकते हैं। छोटा छोटा डिफिनेशन है और इनको लिख सकते हैं। ठीक, इनका जो ओरिजिनेशन है, अगर प्रज्ञानम ब्रह्म का, इसका बता देते हैं, तो ये ऋग्वेद से आया। फिर अहम ब्रह्मास्मि, ये यजुर्वेद से आया, यजुर्वेद से लिया गया। और ये सामवेद से, और ये लास्ट वाला जो है अयम आत्म ब्रह्म, तो अथर्वेद से। ठीक, ये आप इसका, इन चारों को मतलब, ये संस्कृत में लिखा होता है, मैंने इंग्लिश में लिख दिया है, ठीक है ना। फिर एक और एग्जाम्पल देके इसको समझाने की कोशिश किए, ब्रह्म को यहीं पे हम समझा देते हैं अभी। कि जैसे आचार्य शंकर ने ये बोला, तीन बीज हैं आपके पास, एक पीपल का बीज है, एक आम का बीज है, एक नीम का बीज है। अब आम का बीज ले लिए, पीपल का बीज ले लिए और नीम का बीज, जब बीज होगा और उसको लगाएंगे, तो इनिशियल स्टेज में जब वो उगेंगे तो आप नहीं जान पाएंगे वो किसका है। कोई आप जान पाएंगे क्या? आप अगर देखिए, शुरू में जब उगते हैं केवल दो पत्ती छोटी छोटी, चाहे आम के हो चाहे जिसके, तो आपको ये नहीं पता पड़ पाएगा कि किसका बीज है। आप अपना क्या लगाएंगे वहाँ? बुद्धि तो लगाएंगे, इंटेलिजेंस लगाएंगे, और ये इंटेलिजेंस लगाएंगे, हमने यहाँ पे बोया था, यहाँ पे बोया था, ये विवेक, ये ज़्यादा होशियार होता और लगा लेंगे वहीं पे, मार्किंग कर देंगे। बाकी जब वो उगेंगे तो आप जान नहीं पाएंगे कि कौन सा वृक्ष होने वाला है। लेकिन जिस व्यक्ति को प्रज्ञा
का अवस्था प्राप्त है। प्रज्ञा की अवस्था मतलब ब्रह्म, वो जान जाएगा कि तीनों जो बीज हैं वो पेड़ बनेंगे और तीनों बीज में फल लगेंगे, उनका मतलब ये रहेगा, और इंसान को सुख देंगे। वो पहले से ही जान जाएंगे, वो उस स्तर पे ही जान जाएंगे कि आखिर मेन तत्व क्या है, पेड़ बनना, और पेड़ बनने के बाद सबको छाया देना या फिर फ्रूट देना, तो समझ जाएंगे। और आप यहाँ पे लड़ते रह जाएंगे कि ये नीम का है पीपल का है। तो इस स्तर पे ब्रह्म को डिफाइन किया आचार्य शंकर ने। अब तीन अवस्थाएं आचार्य शंकर ने यहाँ पर बताई हैं अद्वैतवाद फिलॉसफी में, कि हमारी तीन अवस्थाएं कौन सी होती हैं, कौन कौन से फेज होते हैं, उनकी थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं कि तीन अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, फेज या फिर स्टेट। तो तीन अवस्थाओं की अगर हम बात करें तो तीन अवस्था में एक होती है जागृत अवस्था, दूसरी आपकी होती है स्वप्न अवस्था, और तीसरी होती है सुषुप्त अवस्था। जागृत, अवेकन स्टेज, ठीक, दूसरा स्वप्न, इसको ड्रीम बोलते हैं, ड्रीम स्टेट। तीसरा जो होता है आपका सुषुप्त, इसको बोलते हैं डीप स्लीप, डीप स्लीप बोल दिया जाए, ठीक। तो अब थोड़ा सा हम यहाँ पे बात करेंगे इसकी अवस्थाओं के बारे में। तो जागृत अवस्था की अगर बात करें तो जागृत अवस्था क्या है, तो जो हम चीज़ें जो हम इस शरीर में कि इंद्रियों से फील करते हैं, इंद्रियां, सेंसर, इनसे हम फील करते हैं, देखते हैं, आप देख पा रहे हैं कि हमारे सामने गाड़ी जा रही है, आप देख पा रहे हैं कि हमारे सामने ये व्यक्ति है, आप देख पा रहे हैं कि हम क्लास में पढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप जागृत अवस्था में देखते हैं, मतलब आप रियल में फील कर पाते हैं, सेंसरी आर्गन द्वारा आप इन सब चीज़ों को फील कर पाते हैं, और आपके ये जागृत अवस्था में ही डिजायर होते हैं, इच्छाएं, डिजायर आपके कहाँ पाए जाते हैं, जागृत अवस्था में एंजॉय, आनंद आप यही कर रहे हैं, अवेकन स्टेज में कर रहे हैं आपने, मतलब आप जाग के कर रहे हैं और आप अब इंद्रियों से फील कर पा रहे हैं। उसके बाद फिर आपका एक अगला स्टेज आता है स्वप्न या फिर ड्रीम। तो आपने देखा होगा कि जो सपने हम देखते हैं वो किसके होते हैं, जो हमारी जागृत अवस्था के अवेकन स्टेज के डिजायर पूरी नहीं हो पाते हैं, वो आप हम देखते हैं कहाँ, ड्रीम, सपने में देखते हैं। आपकी इच्छा है हमको मर्सिडीज लेना है, दिन भर सोचते रहे आप, नहीं पूरी हो रही अभी फिलहाल, तो आप वो सपने में देखेंगे और उस सपने में आप जिएंगे। तो जागृत का जो ये आभासी रूप है एक तरह से कहा जाए तो ये हम स्वप्न स्टेज में देखते हैं या फिर ड्रीम स्टेज में देखते हैं। फिर इसके बाद एक होता है सुषुप्त, डीप स्लीप। तो ये ऐसी अवस्था है जिसमें शरीर या फिर आपकी अवस्था या फिर आपका माइंड या फिर आपका सोचना, इसमें कोई भाव नहीं रह जाता, न्यूट्रल कंडीशन ही आपका, ठीक। और न्यूट्रल कंडीशन हो गया तो आप कुछ नहीं सोच रहे हैं। तो ज्ञानेंद्रियों से लेने वाले जो है जागृत अवस्था, स्वप्न क्या है, जागृत अवस्था का जो इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती हैं उनको स्वप्न स्टेज में सोचते हैं, और सुसुप्त एकदम न्यूट्रल कंडीशन, इसमें हमारा कोई भाव ही नहीं रहता सोचने का। अब एक स्टेज होता है जो इन सब तीनों जो अवस्थाएं होते हैं इनसे ऊपर उठ के जाता है,
जिनको हम बोलते हैं तुरीय अवस्था। ये कभी आप कोई पूछे या फिर आप एग्जाम में आपके आए, तुरीय अवस्था क्या है? तुरीय स्टेज, हिंदी में तुरीय, तुरीय अवस्था क्या है? अब तुरीय अवस्था ये है कि जब आप जागृत स्टेज, स्वप्न स्टेज और सुसुप्त उद्देश्य को परे हो जाएंगे, इनसे ऊपर आएंगे, इनसे ऊपर आ गए मतलब ऊपर ऊपर इन द सेंस कि इनसे परे, इन सब चीजों को आपने छोड़ दिया, दैट मीन्स यू आर अटेनिंग द ब्रह्म। आप ब्रह्म की स्थिति में जा रहे हैं और आपको सारा ज्ञान हो गया है और आप ब्रह्म को प्राप्त कर लेना चाहते हैं, तब क्या हो गया, आप ये तुरी स्टेज बोलते हैं, तुरी की अवस्था को आप प्राप्त कर लेंगे। तो अगर आए आपका एग्जाम में कभी लिखने तुरी स्टेज, तुरी स्टेज में यही है कि ये ब्रह्म की अवस्था होती है, ये हमारे जो स्टेज होते हैं जागृत स्वप्न और सुषुप्त अवस्था को से ऊपर होता है, ये भी एक तरह से अगर देखा जाए तो कौन सा लेवल है, प्रज्ञा का लेवल है, प्रज्ञा का लेवल ही तुरी स्टेज कहलाता है। एकदम से सुपर कॉन्शियस माइंड होता है, सुपर कॉन्शियस लेवल हो जाता है। तो इस तरह से आचार्य शंकर ने अपने अद्वैत फिलॉसफी को समझाया, जिसमें ब्रह्म की बात किया, ब्रह्म के चारों महावाक्यों का बात किया। इसीलिए इनमें कहा गया है व्हाट यू थिंक दैट इज योर रियलिटी एंड व्हाट आई थिंक दैट इज माय रियलिटी, बट नथिंग इज रियलिटी, एवरीथिंग इज परसेप्शन। कहा यही गया है कि कुछ भी इस संसार में रियलिटी है ही नहीं, जो तुम सोचते हो भाई वो तुम्हारा सत्यता है, जो मैं सोचता हूँ वो हमारी सत्यता है, बट सच्चाई तो ये है कुछ भी, सब चीज़ें परसेप्शन है, कोई चीज़ सत्य है ही नहीं, जो भी है एक ही है वो है ब्रह्म। इसी तरह हम धीरे धीरे आगे अगला स्टेज जो आएगा कि वो सब जो सत्य है तो क्या है, वो ब्रह्म है, और ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या, आगे जाके इस थ्योरी को देंगे, इस फिलॉसफी को देंगे आचार्य शंकर। तो आशा करते हैं कि आज हमने जो बात किया किसकी, शुरू से वेदांत के दर्शन में बात किया, जिनमें वेदांत और उपनिषद को थोड़ा, वेदांत को हमने डिस्कस किया, उपनिषद को दर्शन डिस्कस किया क्या होते हैं, प्रस्थान त्रयी की बातें करें, चार महावाक्य उनका वर्णन किया, उसके बाद फिर अवस्था जो है जागृत स्वप्न सुसुप्त, फिर आपका तुरीय स्टेज की बात की। तो यहाँ पे अद्वैत फिलॉसफी का यही मतलब, सारी चीज़ें अद्वैत फिलॉसफी के आसपास घूमती हैं, जिसमें ब्रह्म का ही डिस्कस है, और ब्रह्म लास्ट में हमने बताया कि कोई भी चीज़ सत्य नहीं है, केवल सत्य ब्रह्म है। और आगे हम अगर डिस्कस करेंगे तो उसी फिलॉसफी पर बात करेंगे और उसी पे चर्चा करेंगे। तो उसमें एक बात भी कहा, जैसे हम अगर बात करें तत्वमसी में, तो इसका वो जो एक गाना भी बना हुआ है, जो मुझ में समाया वो तुझ में समाया, ऐसा ही है। तो ये है आचार्य शंकराचार्य जी की फिलॉसफी और अद्वैतवाद का दर्शन और वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन आया कहाँ से, तो उन्होंने ब्रह्म सूत्र जो बद्रायण की थी उसमें भाष्य लिखा। तो इस तरह से आई होप ये आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपको समझाने की, आपको हो सकता है नहीं समझ में आया हो, कुछ कम समझ में आया हो, तो आप थोड़ा सा स्टडी करेंगे, थोड़ा आचार्य शंकर का इंट्रोडक्शन के रूप में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आप समझ जाएंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, अगर अच्छा लगा तो आप कमेंट करिए, और भी वीडियो पाने के लिए आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं कि किस टॉपिक पर वीडियो हमको बनाना है। ठीक है, तो धन्यवाद।